जोशीमठ में होटल खाली कराने का विरोध किया गया है। लोगों ने हंगामा किया, बिना सर्वेक्षण के होटल तोड़ने का विरोध किया है। प्रशासन की टीम को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल आज कई जो इमारतें खतरनाक बताई गई थी उनके ध्वस्तीकरण का काम होना था, इसमें होटल भी शामिल है, लेकिन स्थानीय लोग अब विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। होटल खाली कराने का विरोध हुआ, लोगों ने हंगामा किया, बिना सर्वेक्षण के होटल तोड़ने का विरोध किया गया, प्रशासन की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। लोगों की मांग है कि पहले सर्वे कराया जाए, मुआवजे की बात हो और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। होटल खाली है, प्रशासन ने धमकाया सर, ये हमको धमका रहे हैं। एसओ साहब आए, इन्होंने हमको धमकाया, बोले बाहर निकलो। किस बात का निकलो? क्या मेरी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो गया? ये गुंडागिरी क्या है? क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव है? क्या अधिकारियों का दबाव है? अगर मेरी जान को पूछोगे, मैं बीमार आदमी हूँ, तो ये जवाबदारी पूरी सरकार और क्या आपकी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया? कुछ नहीं हुआ। आप बोलने की हो रहा है, कोई मेजरमेंट नहीं किया। मैं बोला मेरा सेटलमेंट कर दो, मैं जाता हूँ ना। आपने होटल मालिक को एक नोटिस नहीं दिया प्रशासन ने कि हम आपका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं? हमको न्यूज पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि इनका होटल खाली हो रहा है, गिराया जा रहा है। आप बताइए ठाकुर सिंह वाले नोटिस दिया आपने? इन्हें नोटिस दिया कि आप आपके भवन का ध्वस्तीकरण कर रहे हैं? हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनका होटल का ध्वस्तीकरण है। आपने क्या इनको कोई नोटिस दिया है खाली करने का? जोशीमठ मठ में पड़ रही दरारों की वजह से वहां लोगों का घर बार छूट रहा है। होटल घर बुलडोजर एक्शन की जद में आ चुके हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, जिनके घर की दरारें खतरनाक हो चुकी हैं। डेंजर जोन इमारतें चिन्हित की जा चुकी हैं और ये दरार लोगों की दहशत की वजह बनी हुई है। लोगों को अपना घर बार छोड़ते हुए दर्द हो रहा है और सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, जो भी उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे।